नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति आपका अपने चैनल टैरो आर्ट स्टूडियो पर स्वागत करती हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आज के दिन नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। आप सभी को नागपंचमी की बहुत बहुत बधाई। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। यह दिन नाग देवता की पूजा के लिए समर्पित होता है। मान्यता है कि नागपंचमी के दिन अगर नाग देवता की पूजा करने से आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और करने वाले जातक को किसी भी प्रकार का भय भी नहीं सताता है। आइए सुनते हैं नाग पंचमी की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। 7ों का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा। तब सभी बहुएं धलिया और खुरपी लेकर मिट्टी गोदने लगी। तभी वहां एक सांप निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोका और कहा, इसे मत मारो, यह बेकसूर है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सांप एक और जाकर बैठा। तब छोटी बहू ने उसे कहा कि मैं अभी लौट कर आती हूँ, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह मिट्टी लेकर घर चली गई और काम काज में फंसकर सांप को दिए हुए वादे को भूल गई। अगले दिन जब उसे यह बात याद आई तो वह सबको लेकर वहाँ पहुँची, पर सांप उसी स्थान पर बैठा था और उसे देखकर वह नमस्कार भैया बोली। सांप ने कहा, तू तो मुझे भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठ बोलने के कारण अभी तुझे डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई है, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। तब सांप बोला, अच्छा आज से तू मेरी बहन है, मैं तेरा भाई हूँ, तुझे जो मांगना है मांग ले। वह बोली, मेरा कोई भाई नहीं है, आज से तू मेरे भैया बन जाओ। कुछ दिन व्यतीत होने के बाद वह सांप मनुष्य रूप धारण करके उस बहन के घर आया और बोला कि मुझे मेरी बहन को भेज दो। सब ने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते का भाई हूँ, बचपन में ही घर से बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सांप हूँ, इसलिए तू डरना नहीं, अगर जहाँ भी चलने में कठिनाई आए तो मेरी पूछ पकड़ लेना। उसके कहे अनुसार वह इस प्रकार उसके घर पहुंच गई और वहां के धन और ऐश्वर्य को देखकर चकाचौंध रह गई। एक दिन सब की माता ने उसे कहा कि मैं काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। पर उसे यह बात ध्यान नहीं रही, उसने सांप को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह अंदर से जल गया। यह देखकर सांप की माता को बहुत क्रोध आया, परंतु सांप के समझाने पर वह शांत हो गई। तब सांप ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सांप और उसके पिता ने उसकी बहन को बहुत सारा सोना चांदी ज्वारात वस्त्र आभूषण देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देकर बड़ी बहू को ईर्ष्या होने लगी और उसने कहा, तेरा भाई तो बहुत धनवार है, उसे तो तुझे और भी धन देना चाहिए। सांप ने यह बात सुनी तो उसने सभी वस्तुएं सोने की ला कर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, अब इन्हें झाड़ने और साफ करने के लिए झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सांप ने झाड़ू भी सोने की ला कर दे दी। सांप ने छोटी बहू को हीरे और मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुन ली। वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार मुझे चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उसे वह हार लेकर शीघ्र यहाँ उपस्थित हो। तब मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेगी, वह उसे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगाकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने भाई को यह बात बताई और प्रार्थना करने लगी, रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार गले में डाले तो वह सांप बन जाए।
और जब तक वह मुझे लौटा ना दे तब तक वह हीरो और मनियों का ना बन जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सांप का बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और हार को फेंक दिया। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी ने डर के मारे राजा जाने क्या करेगा यह सोचकर स्वयं छोटी बहू के साथ आ गया। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, तुझे मैं दंड दूंगा। छोटी बहू बोली कि राजा मुझे क्षमा कीजिए, यह हार ऐसा ही है कि मेरे गले में हीरो का हार रहता है और दूसरे के गले में सांप का बन जाता है। सुनकर राजा ने वह हार छोटी बहू को देकर कहा कि अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उस हार को पहना तो वह हीरो और मनियों का बन गया। यह देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया और उसे प्रसन्न होकर बहुत सारी मुद्राएं और पुरस्कार भी दिया। छोटी बहू अपना हार और सभी पुरस्कार को लेकर घर लौटी। उसके पास धन को देखकर बड़ी बहू को ईर्ष्या हुई, जिसके कारण उसने उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास बहुत सारा धन कहाँ से आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठाक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह ने सांप भाई को याद किया। तभी उसके सामने सांप भाई प्रकट हो गया। यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पसंद है किया तो मैं सबको खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सर्प देवता का बहुत बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नागपंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा। सभी स्त्रियां सांप को अपना भाई मानकर उनकी पूजा करने लगी। भक्तों, आप इस नागपंचमी पे आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, इसी आशा के साथ यह कथा समाप्त होती है। ये नाग देवता की जय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को या आपको किस तरह की वीडियो पसंद है हमें जरूर लिखें। हमें आपके कमेंट का इंतजार है। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय माता की।